अपने विंडोज का पासवर्ड खोल सकते हैं कभी भूल जाए या दूसरे की मदद कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक लॉक मांग रहा है, तो उसका पासवर्ड मांग रहे हैं, वहां पे हम विंडोज का कोई पासवर्ड डाल देते हैं, एंटर मारते हैं, देखिए रॉन्ग पासवर्ड। हम लोग वापस एक बार ट्राई करते हैं, एंटर मारते हैं, रॉन्ग पासवर्ड। तो एग्जाम्पल में अपना समझ लो कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, अब मुझे इसे हैक करना है, क्रैक करना है अपने पासवर्ड को। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर का सिंबल है, यहाँ पे रिस्टार्ट और शटडाउन का ऑप्शन होता है। तो हम इसे दो बार रिस्टार्ट मारेंगे, एक दो बार, तब आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा जिससे आप आगे प्रोसेस करेंगे। जैसे एक बार हम रिस्टार्ट मार के देखते हैं वो ऑप्शन आता है कि नहीं, हमें एक बार वापस इसे फिर से रिस्टार्ट मारना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 बार इसको रिस्टार्ट मारेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ आप वहाँ पे अंदर जाके क्रैक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लॉन्च स्टार्टअप प्रिपेयर रिकमेंडेड और नीचे लिखा है स्टार्ट विंडो नॉर्मल। तो आप लॉन्च स्टार्टअप पे क्लिक कर देंगे, एंटर मार देंगे, देखिए नीचे विंडोज लोडिंग फाइल, जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे विंडोज का लोडिंग फाइल जैसे जाने लगेगा। तो एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे एक लाइन जा रही है, यह अपने आप को खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। कंप्यूटर ये लिखा है कि अब एनेबल टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली, रिपेयर ऑटोमेटिक कर रहा है अपने आप को। उसके बाद कम से कम ये प्रोसेस कम से कम 5 मिनट तक चलता है दोस्तों। उसके बाद 5 मिनट के इसे कैंसिल कर लेते हैं और मैं इस वीडियो को पॉज करके 5 मिनट वाले आगे के वीडियो को दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये मिनिमम 5 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, 5 मिनट बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ लिखा है कि आप ऑटोमेटिकली सेट नहीं हो पाया है, ऑटोमेटिकली मतलब रिपेयर को नहीं कर पाया है विंडोज में, और वो बोल रहा है वापस इसको सेट पे क्लिक करके वापस इसको रिपेयर करें। हम इसे वापस से रिपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे एरो की मदद से नीचे आ जाएंगे और लास्ट में लिखा है एक्स विंडोज सिस्टम 32। जैसे ही क्लिक करेंगे नोट पैड खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें नोट पैड में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ ओपन तक नहीं करना है, बस हमें इसके सारे अंदर जाके रिनेम वगैरह करना है। अब कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉर्मली आपके पास नॉर्मल जो फोल्डर होते हैं वही ड्राइव है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्राइव आ जाता है। एक्स ड्राइव करिए, उस एक्स ड्राइव से करेंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्राइव आ जाएगा। और अभी हमको इसके अंदर विंडोज करके फोल्डर ढूंढना है जो नॉर्मली सी फाइल में होता है, लेकिन यहाँ पे कौन से फाइल में होगा अलग अलग फाइल में आ सकता है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा विंडोज करके कोई फोल्डर नहीं है, नीचे आ जाता हूँ, ऐप में चेक कर लेता हूँ, ऐप में देखिए मेरा विंडोज करके फोल्डर मेरे को दिख रहा है, इसके अंदर चल जाता हूँ। अब विंडोज के अंदर फोल्डर के अंदर मेरे को एक सिस्टम 32 का फोल्डर ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे सिस्टम 32 का फोल्डर ढूंढ सकता हूँ। एक सिस्टम 32 का भी फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, सिस्टम 32 यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर रीनेम और कॉपी पेस्ट करना है कुछ फाइल को, जिसमें टेक्स्ट फाइल में इसे पहले हम ऑल में कन्वर्ट कर देते हैं ऑल फाइल। उसके बाद यहाँ पे इंप्लीमेंट करके कोई फोल्डर होगा, फाइल होगा, उसे हम चेक कर लेते हैं, उसे हम रीनेम कर देंगे पहले। यहाँ पे एरो की वजह से आप नीचे जा सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट नीचे इसको पकड़ के जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे फोल्डर आ चुका है, फाइल आ चुका है, यहाँ पे हम क्लिक करके एक्टिव करके इसे रीनेम कर देंगे और इसका नाम देंगे शिपमेंट 1, शिपमेंट के आगे 1 डाल देंगे और एंटर मार देंगे। इसी तरह एक सेफ्टी करके एक फोल्डर होगा, इसे भी हम दो देखते हैं साथ ऊपर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी करके कमांड का ऑप्शन है, यहाँ पे सेफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी और वहीं पे उसी जगह पे पेस्ट क्लिक कर देंगे, हम
ऐसी होने का कॉपी अब इसे रिनेम कर देंगे बैंकिंग पर रिनेम पे जाएंगे और इसका नाम देंगे स्किल मैन जो हमने वहां पे छोड़ा था रिनेम किया था उसे मैन नाम देने के बाद एंटर कर देंगे दोस्तों यहां पे स्किल मैन करके हमने इसको रिनेम कर दिया है अब हम इसे कैंसिल कर देंगे कुछ ओपन नहीं करना है हमें दोस्तों कि हम इससे कुछ ओपन नहीं करना है बस हमें इसको रिनेम करना था इसके सारे यहां पे क्रॉस कर देंगे यहां पे जितने भी चीजें हैं सबको क्रॉस कर देंगे लास्ट वाला ऑप्शन को भी क्रॉस कर देंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप अपना पीसी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना चाहते हैं यस हमें इसको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना है हम इसे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे अभी हमारा पीसी रीस्टार्ट हो रहा है देखिए दोस्तों फिर से पासवर्ड मांग रहे हैं हमें एक आखिरी स्टेप करना पड़ेगा यहां पे आप कोने में देखोगे कि यहां पे ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहां पे हमेशा अपीयरेंस वगैरह मांगता है यहां पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वहां पे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है पासवर्ड चेंज नहीं नॉर्मली हमको स्क्रीन साइज वगैरह बोलता था लेकिन अब हम यहां से क्लिक करेंगे तो एक सीएमडी कमांड ओपन होगा अगर हमारा सारा प्रोसेस सही है तो यहां पे अब कमांड ओपन होगा देखिए हमारे इधर एक कमांड ओपन हो गया है यहां पे आप डायरेक्टली यहां पे एक कमांड देंगे और इसे आखिरी कमांड है दोस्तों आखिरी स्टेप है यहां पे एक कमांड देना पड़ेगा इसे इसमें कमांड देना है ओ एम टी आर ओ एल कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड्स टू देख लीजिए दोस्तों उस कमांड देना है कंट्रोल डैश यूजर पासवर्ड टू और एंटर मारना है आखिरी स्टेप है जैसे ही एंटर मारेंगे आपके सामने एक ऐसे बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आएगा देखिए सबसे पहला पहला जो आपने दिया रहेगा मेरा ए करके दीपक करके मैंने नाम दिया है अपने विंडोज लॉक के ऊपर दीपक करके नाम आया और अगर आपको पहचानना है आपका विंडोज लॉक कौन सा है तो यहाँ पे होम यूजर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा रहेगा जो होम यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है वही आपका विंडोज लॉक रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो रिसेट पे क्लिक कर दो ऐसे आप रिसेट पे क्लिक करोगे आपसे बोल रहा है कि आप कोई नया पासवर्ड डालो जो आप अपने विंडोज लॉक में रखना चाहते हैं मैं इसे रखना नहीं चाहता कोई भी पासवर्ड इसलिए डायरेक्ट ओपन छोड़ना चाहता इसलिए डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ देखिए हमारा पीसी का जो पासवर्ड था वो रिसेट हो चुका है हम डायरेक्टली इसे एरो पे क्लिक कर देते हैं देखिए इस तरह हम अपने विंडोज को क्रैक कर सकते हैं और इस समय हमारा विंडोज क्रैक हो चुका है लेकिन दोस्तों इसे आप किसी गलत ढंग से यूज मत करना कि साइबर लॉ के खिलाफ है इसे सिर्फ